डॉक्टर संजय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स घाटशिला कॉलेज घाटशिला। हम लोग प्रबंध के विभिन्न कार्यों में प्रमुख कार्य नियोजन की चर्चा कर रहे थे। उसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने नियोजन का अर्थ, प्रोसेस, प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग प्लानिंग इफेक्टिव, टाइप्स ऑफ प्लान, प्लानिंग की सीमाएं, लिमिटेशंस इत्यादि के बारे में चर्चा की। आज हम लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की चर्चा करेंगे, रणनीतिक नियोजन। रणनीतिक नियोजन क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस के रूप में, आदि बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो रणनीतिक नियोजन या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक दीर्घकालिक व्यावसायिक नियोजन है, प्लानिंग है, जिसका उद्देश्य प्रबंधकों को रणनीतिक कुशलता से सुसज्जित करना है, ओरिएंटेड करना है, दीर्घकाल के लिए व्यवसाय के लिए एक रणनीतिक नियोजन बनाया जाता है और जिसका कि उद्देश्य प्रबंधकों को रणनीतिक कौशल से युक्त करना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक कंपनी के लक्ष्य के अनुरूप दीर्घकालीन उद्देश्यों की स्थापना कर उनकी प्राप्ति के लिए नीतियां तथा रणनीतिक कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। इसमें कंपनी बदलते हुए बाजार तथा प्रतिस्पर्धा के प्रति अधिक जागरूक होती है। रणनीतिक नियोजन में यह कार्य प्रथम स्तरीय प्रबंधकों से हटाकर नियोजन स्टाफ को दे दिया जाता है। प्लानिंग के लिए प्लानिंग स्टाफ को दे दिया जाता है, जिसका मुख्य कार्य कंपनी के लिए स्ट्रेटेजिक योजनाएं तैयार करना, रणनीतिक योजनाएं तैयार करना होता है। सर्वोच्च प्रबंध, टॉप लेवल मैनेजमेंट, इस प्रकार तैयार की गई योजनाओं को जांच परख कर अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। प्रथम स्तरीय प्रबंधक से हटाकर इसको जो है नियोजन स्टाफ को दे दिया जाता है और फिर नियोजन स्टाफ के द्वारा तैयार की गई योजनाओं को टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है जांच परख कर उसको अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन का कार्य मध्यम तथा प्रथम स्तरीय प्रबंधकों के जिम्मे रहता है। जब योजना तैयार हो जाती है तो फिर उस योजना को कार्यरूप करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए इसका जो है जिम्मा मिडिल लेवल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के पास होता है। रणनीतिक नियोजन एक औपचारिक दीर्घकालीन नियोजन प्रक्रिया है, जिसका प्रयोग संगठनात्मक लक्ष्यों को परिभाषित तथा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। जॉस एवं ग्लूक के अनुसार रणनीतिक योजना
एक कंपनी की आधारभूत दीर्घकालीन संपूर्ण उपक्रम से संबंधित योजना है। यह उपक्रम के उन प्रमुख उत्पाद तथा अथवा सेवाओं को इंगित करती है जो उपक्रम समाज को प्रदान करेगा। साथ ही यह उपक्रम के क्रियाकलापों अथवा रणनीतियों जैसे भौगोलिक विस्तार अथवा विविधीकरण पर प्रकाश डालती है, जिसके द्वारा यह इन उत्पाद सेवाओं का निर्माण तथा वितरण करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है एक दीर्घकालीन योजना है, दीर्घकालीन प्लानिंग है, व्यावसायिक प्लानिंग है, और यह जो है एक नियोजन स्टाफ को, मतलब एक अलग से इसका जो है इस यूनिट की स्थापना करके और उसके द्वारा यह करवाया जाता है और फिर इसका क्रियान्वयन जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। क्रियान्वयन कार्य उन लोगों के द्वारा किया जाता है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में, प्रतियोगिता के युग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का महत्व दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, खास करके बड़े बड़े उपक्रमों में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की जाती है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लानिंग तैयार किया जाता है। आज का जो यह प्रतियोगिता का युग है, रणनीतिक नियोजन संपूर्ण व्यवसाय के बारे में पूर्व आभास करा देता है, अतः रणनीतिक प्रबंध एक उचित दिशा की ओर बढ़ पाने में समर्थ होता है। चूंकि यह संपूर्ण व्यवसाय के बारे में पूर्वाभास करा देता है, इसलिए यह जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है यह प्रबंध को एक उचित दिशा की ओर बढ़ पाने में समर्थता प्रदान करता है। इस प्रकार के नियोजन द्वारा ही संगठन के प्रारंभ से ही स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार का जो यह नियोजन है, स्ट्रेटेजिक नियोजन के द्वारा संगठन के लिए शुरू से ही स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित कर दिया जाता है। स्टीनर ने कहा है कि कभी कभी ऐसे सुअवसर जो बहुत जोखिमपूर्ण दिखाई देते हैं आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, और इसके विपरीत कभी कभी जो सुअवसर अति सुरक्षित दिखाई पड़ते हैं संगठन के लिए घातक सिद्ध होते हैं। रणनीतिक, इनका कहना है कि कभी कभी जो जोखिमपूर्ण दिखाई पड़ता है, कोई अवसर जो है, अपॉर्चुनिटी जो है, लगता है कि इसमें काफी रिस्क है, काफी जोखिम है, लेकिन वह जो है आसानी से प्राप्त हो जाता है, और कभी कभी इसके उलट होता है कि जो लगता है कि सुअवसर अति सुरक्षित है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, वह संगठन के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है कंपनी को ऐसी अनिश्चिततापूर्ण स्थिति से निकालने में सहायक होता है तथा दुर्लभ संसाधनों का सही विनियोजन संभव बनाता है। जो हमारे पास स्कार्स है, दुर्लभ संसाधन है, स्कार्सिटी जिसकी है, कमी जिसकी है, वैसे चीजों के सही विनियोजन में, सही विनियोजन को वह संभव बनाता है। हम निम्न रूप में इसके महत्व को जो है देख सकते हैं। पहला, कंपनी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति सजग हो जाती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के वजह से कंपनी के वातावरण में जो परिवर्तन होने वाला है उसके प्रति सजगता आ जाती है। दूसरा, कंपनी के लिए स्पष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्यों का निर्धारण हो जाता है। क्या हमारा लक्ष्य होगा, क्या उद्देश्य होगा, उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, यह हमारा निर्धारित हो जाता है। नियोजन प्रक्रिया जो है, नियोजन की जो प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण तथा नियमित हो जाती है।
जो प्रक्रिया है उसके पीछे एक उद्देश्य आ जाता है और वह नियमित हो जाती है, रेगुलर हो जाता है। चौथा, निर्णयन अधिक प्रभावी तथा ठोस हो जाते हैं। निर्णयन जो है हमारा वह अधिक प्रभावी तथा ठोस हो जाता है। निर्णयन मतलब डिसीजन, डिसीजन जो है वह काफी इफेक्टिव हो जाता है तथा ठोस होता है। और पांचवा, परिचालन कार्य योजना अनुसार समयबद्ध तरीके से संपन्न होता है। जो हमारा ऑपरेटिंग फंक्शन जो होता है वह हमारे प्लानिंग के हिसाब से और समयबद्ध तरीके से संपन्न हो पाता है। इसकी सीमाएं क्या है? यद्यपि रणनीतिक नियोजन समय की मांग है और इसलिए बड़ी कंपनियां तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां निरंतर इस पर जोर दे रहे हैं तथा अपना रहे हैं, फिर भी इसकी निम्न सीमाएं कही जा सकती हैं या कही जाती हैं, इसके लिमिटेशंस। हालांकि आजकल जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को समय की मांग कहा जाता है और इसलिए जो है जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है निरंतर इस पर जोर दे रहा है। बावजूद इसके इसकी कुछ सीमाएं हैं जिसको हम इस प्रकार जान सकते हैं। जैसे पहला, व्यवसाय। अधिकांश विद्वानों का मत है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अधिक खर्चीली प्रक्रिया है, व्ययसाध्य प्रक्रिया है। इसमें पृथक नियोजन स्टाफ, जैसे बताया कि अलग एक नियोजन यूनिट की स्थापना की जाती है तो उसमें स्टाफ होंगे, तो एक अलग जो है सो नियोजन स्टाफ तथा सलाहकारों की नियुक्ति पर अधिक व्यय होता है, अधिक खर्च होता है, परंतु नियोजन स्टाफ संगठन के आकार तथा संसाधनों के अनुसार समायोजित कर लिया जाना चाहिए। सीमाएं इसकी जो है यो कहता है कि यह मध्यम आकार वालों के लिए अवहनीय खर्च हो जाता है, इसको बड़े आकार वाले ही कर सकते हैं व्यवसाय का, लेकिन नियोजन स्टाफ जो है प्लानिंग स्टाफ को हम संगठन के आकार तथा संसाधनों के अनुसार समायोजित कर सकते हैं। दूसरा होता है मात्र बड़े उपक्रम के लिए उपयुक्त। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ऊंची लागतें बड़े उपक्रम ही वहन कर सकते हैं या वैश्विक वातावरण से प्रभावित होने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों को अपनी जोखिम कम करने के लिए इस प्रकार के नियोजन की आवश्यकता हो सकती है। अतः मध्यम तथा लघु फर्मों के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग विशेष उपयोगी नहीं होता है, किंतु यह तर्क भी भ्रांतिपूर्ण है क्योंकि आधुनिक व्यावसायिक वातावरण भारी जोखिम भरा होता है। इसमें बहुत जोखिम होता है व्यावसायिक वातावरण में, जो लघु मध्यम तथा बृहत आकार वाली सभी कंपनियों को प्रभावित करता है। अतः छोटी कंपनियों को भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का लाभ मिलता है, यह उसके लिए भी लाभकारी होता है। तीसरा जो इसकी सीमाओं के बारे में कहा गया है, निर्णय में देरी, डिले इन डिसीजन मेकिंग। चूंकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, लंबे समय के लिए किया जाता है और दीर्घकाल में कुछ मान्यताएं जिन्हें लेकर योजनाएं बनाई जाती हैं वो बदल जाती हैं। क्योंकि लंबा समय रहता है, परिवर्तन होते रहता है, तो दीर्घकाल के लिए जो हम मान्यता मान के चले हैं, जो एजम्पशंस हमारा है, उसमें परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तन होने की वजह से निर्णय लेने में विलंब होने लगता है। फलस्वरूप कभी कभी सुअवसर कंपनी के हाथ से निकल जाता है।
चौथा है व्यवसाय सिद्धांत पर खड़ी नहीं। व्यवसाय का पुराना सिद्धांत है व्यावसायिक जोखिम तथा प्रतिफल साथ साथ चलते हैं। कोई भी व्यवसाय का यह एक पुरानी कहावत है कि व्यवसाय में जो हमको लाभ होता है वह लाभ और जोखिम, उस लाभ को कमाने के लिए जो हम जोखिम उठाते हैं वह साथ साथ चलता है, और जोखिम की वजह से कभी लाभ नहीं भी हो सकता है, हानि भी होती है। यानी कि मतलब व्यावसायिक जोखिम तथा उसके जो प्रतिफल हैं, जिस प्रतिफल के लिए हम वह काम करते हैं, तो उसको प्रतिफल पाने के लिए जोखिम को भी साथ साथ लेकर के चलना पड़ता है। परंतु स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है कंपनी को जोखिम वहन करने से रोकता है। इसकी सीमाओं के बारे में कहा गया है कि यह जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है यह जोखिम को वहन करने से रोकता है, अतः कंपनी पर्याप्त लाभ नहीं कमा सकती है। कहावत है नो रिस्क नो गेन, तो अगर रिस्क नहीं होगा तो फिर गेन नहीं होगा। तो वही यहां पर कहता है कि यह जोखिम लेने के लिए मना करता है, जोखिम वहन करने से रोकता है, जिस वजह से कंपनी या व्यवसाय जो है पर्याप्त लाभ नहीं कमा सकती है। परंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि रणनीतिक नियोजन प्रबंध को दूरदृष्टि प्रदान करता है और जोखिम में कमी तथा लाभों में वृद्धि करता है। यह जोखिम लेने से मना नहीं करता है, बल्कि जोखिम कम कैसे हो, जोखिम का उपाय कैसे हो कि उसको हम न्यूनतम स्तर पर लावे, यह उपाय बताता है, और उस उपाय को अपनाकर दूरदृष्टि के माध्यम से हम जोखिम में कमी करते हैं और लाभ में वृद्धि होती है। अब है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस क्या है? वास्तव में रणनीति या व्यूह रचना कंपनी की एक ऐसी विस्तृत एवं एकीकृत योजना है जो वातावरण की चुनौतियों का सामना कर कंपनी को रणनीतिक लाभ पहुंचा सकती है। यह इस प्रकार डिजाइन की जाती है जिससे कि कंपनी के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। समानतया कंपनी की व्यूह रचना में निम्न कदम उठाए जाते हैं। जो प्रोसेस है उसका, वो प्रोसेस सामान्यतः इस प्रकार से होता है। पहला, मिशन तथा मूल्य का निर्धारण। मिशन से आशय ऐसे दार्शनिक लक्ष्य से है जो कंपनी का सर्वोच्च प्रबंध या प्रवर्तक अत्यंत दीर्घ काल के लिए निर्धारित करता है। मिशन मतलब लक्ष्य, जो कंपनी का प्रवर्तक है या उसका जो प्रबंधक है वह लंबे समय के लिए जो लक्ष्य निर्धारित करता है उसे हम मिशन कहते हैं। मूल्यों से आशय उन आदर्शात्मक पहलुओं से है जिनमें कंपनी प्रबंध आस्था रखता है, जैसे गुणात्मक वस्तुओं का उत्पादन, सामाजिक कल्याण में विश्वास करना आदि। तो एक कंपनी के मिशन तथा मूल्य ही उसके उद्देश्य नीतियां तथा रणनीतियों के निर्माण के मूलाधार होते हैं। दूसरा है वात, तो पहला प्रोसेस में हो गया कि पहला मिशन और मूल्य निर्धारण करना। मूल्य मतलब वैल्यूज, जो नैतिकता के आधार पर अपना उत्तरदायित्व निर्धारित करना। दूसरा है वातावरण का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंट। कंपनी की व्यूह रचना प्रोसेस का दूसरा स्टेप वातावरण का विश्लेषण। कंपनी की व्यूह रचना से पूर्व उसके बाह्य वातावरण का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक होता है।
वायु वातावरण का विश्लेषण नियोजनकर्ता को यह बताने में समर्थ होता है जो जो व्यवसाय हम करने जा रहे हैं उसके लिए जो वायु वातावरण है उसका विश्लेषण नियोजनकर्ता को, प्लानिंग करने वाले को, प्लानर को यह बताने में समर्थ होता है कि कंपनी के सामने भविष्य में क्या खतरे आने वाले हैं तथा क्या सुअवसर मिल सकते हैं। इन खतरों तथा सुअवसरों को ध्यान में रखकर ही स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो वातावरण का विश्लेषण करने से हमें क्या मिलता है, इससे हमको जो है भविष्य में क्या खतरे आने वाले हैं, क्या सुअवसर प्राप्त हो सकते हैं, इन सब बातों की जानकारी मिलती है। और क्या और इन बातों की जानकारी के माध्यम से हम अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं जो कि हमको भविष्य में सुरक्षित रखती है। प्रक्रिया का तीसरा स्टेप है फर्म की कमजोरियों तथा ताकतों की जांच करना। वायु वातावरण के साथ ही यह भी आवश्यक होता है, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, बाहरी वातावरण है, उसके साथ साथ यह भी आवश्यक होता है कि नियोजनकर्ता कंपनी की जो कमजोरियां हैं, वीकनेस हैं, जो ताकत हैं, स्ट्रेंथ है, दोनों का अध्ययन करे और यह अध्ययन कंपनी परिचालन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे उत्पादन, विपणन, वित्त, शोध, मानव संसाधन विकास आदि में किया जाना चाहिए। इसे फर्म के आंतरिक वातावरण की संज्ञा दी जाती है। फर्म की क्या कमजोरियां हैं, क्या स्ट्रेंथ है, इसका अध्ययन करें और यह अध्ययन जो है कंपनी के परिचालन के प्रत्येक क्षेत्र, क्षेत्र क्या क्या होता है उसमें, जो आंतरिक वातावरण में सम्मिलित होता है वह है उत्पादन का क्षेत्र, विपणन का क्षेत्र, वित्त का क्षेत्र, शोध का क्षेत्र, मानव संसाधन विकास का क्षेत्र, चौथा उद्देश्य व रणनीतियों का निर्धारण। वायु वातावरण के विश्लेषण द्वारा खतरों व सुअवसरों का मिलान करके जो थ्रेट्स हैं और जो अपॉर्चुनिटीज हैं उन दोनों का मिलान कर कंपनी की कमजोरियों तथा उन दोनों का जो है हम जो हमारे पास खतरे हैं, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इसका मिलान कर कंपनी की कमजोरियों तथा ताकतों से किया जाता है। इसका मिलान जो है कंपनी की कमजोरियों और ताकत से किया जाता है और उसके अनुसार कंपनी के उद्देश्य तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु रणनीतियां बनाई जाती हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि एक कंपनी के पास आवश्यकता से अधिक कार्यशील पूंजी है और सॉफ्टवेयर उद्योग की विकास दर 40% प्रतिवर्ष है, पर ईयर है, तो कंपनी स्ट्रेटेजिक रूप से अपनी वित्तीय ताकत का प्रयोग सॉफ्टवेयर फर्मों के अधिग्रहण करने में कर सकती है। इसी तरह से मान लीजिए बाटा सू कंपनी का शोध विभाग उत्तम दर्जे का है, परंतु उसके जूते का मूल्य अधिक होने के कारण आंतरिक ग्राहकों की संख्या घट रही है, तो वह निर्यात के लिए उपयुक्त जूतों के निर्माण की रणनीति बना सकता है, स्ट्रेटेजी बना सकता है। तो इस प्रकार से जो है इस प्रोसेस से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लानिंग होते रहती है, होती है और इसका लाभ कंपनी को प्राप्त होता है। अब अभी हमने वातावरण की चर्चा की, तो ये वातावरण का विश्लेषण भी आवश्यक है, इसको हम लोग
एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस आपके सिलेबस में इस तरह से दिया हुआ है। एनवायरमेंटल एनालिसिस वातावरण का विश्लेषण, और उस वातावरण अगर हमारे प्रतिकूल है तो उसका निदान डायग्नोसिस, सॉरी वातावरण का विश्लेषण करना, डायग्नोसिस करना जो वह हमारे अनुकूल है प्रतिकूल है, क्या है नहीं है, क्या होना चाहिए, और हमारे प्रतिकूल अगर है तो फिर उसके हिसाब से हम किस तरह से अपना स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेंगे। कोई भी संगठन या उपक्रम वैक्यूम में संचालित नहीं होता है, रिक्तता में संचालित नहीं होता है, यह वातावरण से प्रभावित होता है, कंपनी की व्यूह रचना, व्यावसायिक उद्देश्य की पहचान आदि मुख्यतया इस पर निर्भर करता है। वातावरण में क्या खतरे हैं, क्या सुअवसर है, कंपनी की ताकतें क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, ये सारा चीज जो है सो व्यूह रचना के अंतर्गत हमको एनालिसिस करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है। कंपनी व्यूह रचना के लिए वातावरण का विश्लेषण एक पूर्व आवश्यकता हो जाती है, जिसमें सामान्यतया वायु वातावरण तथा आंतरिक वातावरण दोनों का को ही सम्मिलित किया जाता है। हम पहले वायु वातावरण को समझने का प्रयास करें। वायु वातावरण का अर्थ क्या है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या अर्थ है, संगठन का वायु वातावरण वह है जो संगठन के प्रत्यक्ष प्रभाव और नियंत्रण से में नहीं होता है, उसके परे होता है। कोई भी संगठन जिस वातावरण पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है, प्रभाव नहीं होता है, उसे हम वायु वातावरण कहते हैं। किंतु जो इसकी कार्य प्रणाली को सशक्त ढंग से प्रभावित करता है, उसका नियंत्रण तो नहीं होता है, प्रभावी नियंत्रण वह नहीं कर सकता है, लेकिन यह वातावरण जो है उसके कार्य प्रणाली पर सशक्त ढंग से अपना प्रभाव डाल सकता है। किसी संगठन के बाहरी वातावरण में व्यक्तियों, समूहों, एजेंसियों, संगठनों, घटनाओं, दशाओं तथा शक्तियों को शामिल किया जा सकता है जो संगठन की कार्य प्रणाली में बार बार संपर्क में आते हैं। इनके साथ संगठन का अंतर क्रियात्मक परस्पर आश्रित संबंध स्थापित होता है, संगठन का इनके साथ साथ लेन देन होता है, इनके साथ व्यवस्थित संबंध स्थापित करने हेतु उपयुक्त व्यूह रचना तथा नीतियों का निर्माण करना पड़ता है। वायु वातावरण, एक्सटर्नल वातावरण के कौन कौन से घटक होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो किसी भी व्यावसायिक संगठन की कार्य प्रणाली के लिए प्रासंगिक वायु वातावरण के निम्नलिखित घटक होते हैं। पहला आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। दूसरा राजनीतिक वैधानिक वातावरण, पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट। तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक डेमोग्राफिक वातावरण, सोशियो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक एनवायरमेंट,
अंतर्राष्ट्रीय एनवायरमेंट, इंटरनेशनल एनवायरमेंट, प्रौद्योगिकी वातावरण, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट और कंपटीशन। तो ये सारे जो है सो बाह्य वातावरण के, एक्सटर्नल वातावरण के घटक कहे जाते हैं। अब इसको हम लोग अलग अलग शीर्षक में इसकी विवेचना करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आर्थिक वातावरण क्या है? आर्थिक वातावरण में निम्नांकित घटक शामिल किए जाते हैं, कई घटक शामिल होते हैं, जिसमें पहला है इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, तथा इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। वायु वातावरण में सबसे पहला आता है इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो ये जो हमारा बाहरी वातावरण है, जहां हम जाकर के व्यवसाय कर रहे हैं, जहां हमारा उपक्रम है, जो हमारे व्यवसाय का क्षेत्र है, एरिया है, तो वहां का इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उस देश का, उस जगह का, उस सरकार का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, सरकार के द्वारा क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज वहां पे रन कर रहा है, और इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, आर्थिक प्रणाली क्या है। आर्थिक दशाओं में अर्थव्यवस्था की प्रकृति, अर्थव्यवस्था के विकास के चरण, आर्थिक संसाधन, आय का स्तर तथा आय व संपत्ति का वितरण शामिल होता है। ये जो इकोनॉमिक कंडीशन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें जो है सो हम लोग नेचर ऑफ अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, अर्थव्यवस्था विकास के किस चरण में है, विकास का चरण उसका क्या है, उसके पास आर्थिक संसाधन कितने हैं, क्या हैं, आय का स्तर, वहां के जो लोग हैं उसके आय का स्तर तथा आय व संपत्ति का वितरण, ये सब बातें शामिल होती हैं। आर्थिक नीतियों में सरकारी नीतियां, आर्थिक नीति इकोनॉमिक पॉलिसीज की जब हम बात करते हैं, तो सरकार द्वारा जो वहां पे, जहां पे हम व्यवसाय करने जा रहे हैं या जहां पे हमारा व्यवसाय है, वहां के सरकार की सरकारी नीतियां क्या हैं, आर्थिक नीतियों में सरकारी नीतियां क्या हैं, राजकोषीय नीतियां क्या हैं और औद्योगिक नीतियां क्या हैं, ये सारे चीज शामिल होते हैं इकोनॉमिक एनवायरमेंट के अंतर्गत आर्थिक नीतियों में। और आर्थिक प्रणाली में तीन प्रकार की प्रणाली अंतर्निहित होती है, पूंजीवादी तथा स्वतंत्र बाजार व्यवस्था, फ्री इकोनॉमिक कैपिटलिज्म पूंजीवादी या फ्री इकोनॉमी, साम्यवादी अर्थात केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है मिश्रित व्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। वस्तुतः निजी व्यवसाय का क्षेत्र मुख्य रूप से आर्थिक प्रणाली पर ही निर्भर करता है। कोई भी जो निजी व्यवसायी है, वह उस जगह के आर्थिक प्रणाली जो है, इकोनॉमिक सिस्टम जो है, यह मुख्य रूप से उस पर निर्भर करता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या साम्यवादी अर्थव्यवस्था है या मिक्स्ड अवस्था है। मिक्स्ड का मतलब जहां पे कुछ क्षेत्र को सरकार अपने कंट्रोल में रखती है और कुछ क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल देती है, वह हो गई मिश्रित। यहां जहां पर कि पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों व्यवस्थाएं चल रही हों, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक वातावरण से संबंधित प्रत्यक्ष क्रियाशील वातावरणीय घटकों में प्रतिस्पर्धा की संरचना, वस्तुओं व सेवाओं की मांग, उद्योग की दशा, संसाधन में आपको जो है सो वित्त, मानव, माल, कच्चा माल,
ये सब आते हैं, और इनपुट्स की आपूर्ति, जैसे उन आपूर्ति स्थिति क्या है, इनपुट्स की आपूर्ति स्थिति क्या है आदि बातों, उनकी लागत, गुणवत्ता, उपलब्धता आदि शामिल होता है। ये हमारे जो है इकोनॉमिक एनवायरमेंट के अंतर्गत, ये जो हमारा एक बाह्य वातावरण है इकोनॉमिक एनवायरमेंट, उसके अंतर्गत ये सब चीज शामिल होते हैं। इसमें मुख्य रूप से निम्न घटकों को शामिल किया जा शामिल कर अध्ययन किया जाता है। पहला, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर। जहां पर हम व्यवसाय करने जा रहे हैं वहां पे प्रति व्यक्ति आय क्या है और राष्ट्रीय आय क्या है, महंगाई दर तथा ब्याज दर, महंगाई किस अनुपात में बढ़ता है और वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उपभोग का स्वरूप, किस तरह का उपभोग वहां पर होता है, कंजम्पशन जो है उसका स्वरूप क्या है, मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियां, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज, साख सुविधाएं, क्रेडिट फैसिलिटीज क्या है, सरकार की तरफ से क्या क्या साख की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं, क्रेडिट का क्या क्या की क्या क्या उस वहां पे सुविधाएं उपलब्ध हैं, विदेशी पूंजी का आगमन, विदेशी पूंजी के आने की संभावना कितनी है, कच्चे माल तथा ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता, रॉ मटेरियल और फैक्ट्री को चलाने के लिए जो हमको एनर्जी की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसका उसके स्रोत की उपलब्धता क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता, फाइव इयर्स प्लान में किस चीज को प्रायोरिटी दी गई है, पंचवर्षीय योजनाएं बनते रहती है ना, तो अलग अलग योजनाओं में जो है सरकार के द्वारा अलग अलग क्षेत्र को प्रायोरिटी दी जाती है, अलग अलग सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाती है, तो जो अभी विद्यमान है उसमें किस क्षेत्र को प्राथमिकताएं दी गई है पंचवर्षीय योजनाओं में, और आने वाले समय में किस चीज को प्रायोरिटी देने की संभावनाएं हैं, कृषि तथा उद्योग उत्पादन निर्देशांक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल उत्पाद जो है उसका निर्देशांक कितना है, क्या है, अवस्थापन जैसे रेल, सड़क, दूर संचार की क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं कितनी है, दूर संचार की सुविधाएं वहां पर हैं या नहीं है, अगर माल बनेगा तो फिर उसको ले जाने के लिए, कच्चा माल लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा चाहिए, विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क करने के लिए दूर संचार की सुविधाएं चाहिए, तो जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने जा रहे हैं या कर रहे हैं वहां पर ट्रांसपोर्टेशन और दूर संचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं अथवा नहीं है, है तो कितनी मात्रा में है, और श्रम उत्पादकता स्तर, लेबर प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है वहां की, वहां के लेबर कितना काम करते हैं, उसका स्तर क्या है, लेवल क्या है, उत्पादकता का लेवल, इन सब बातों का विश्लेषण वायु वातावरण के इकोनॉमिक एनवायरमेंट के अंतर्गत क्या करके हम इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तैयार करते हैं। इसके अलावा और है पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट, सोशियो कल्चरल डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, इंटरनेशनल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, कंपटीशन, और इसके बाद फिर हम लोग इंटरनल एनवायरमेंट की चर्चा करेंगे, और SWOT SWOT अथवा TOWS या WOTS मैट्रिक्स की चर्चा कल के चर्चा में हम लोग करेंगे, आगे की चर्चा में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।